अभी आपने ये देखा आंकड़े की रिपोर्ट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूरी खबर में इंडिया न्यूज की एंट्री होती है, इंडिया न्यूज जब इस खबर में एंट्री करता है तो इसकी बाकायदा जांच पड़ताल करता है। इस दौरान बीएचयू के तरफ से जो ट्रोमा सेंटर के जो इंचार्ज है उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है, 80 पुलिस चौकी जो है वहां पे एक एप्लीकेशन दी जाती है, और इस एप्लीकेशन में ये कहा जाता है कि चूंकि ये जो पीड़ित लोग हैं इनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है बाहर से वैक मशीन को मंगवाया है और वैक मशीन को लगवाने की वजह से जो है एक एप्लीकेशन दी जाती है। बनारस के पुलिस कमिश्नर से बात होती है, उनको पूरा मामला बताया जाता है, वो उस दौरान छुट्टी पे होते हैं, लेकिन उनके जानकारी में जब ये मामला आता है तो पुलिस इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस दौरान एक और काम किया जाता है कि बीएचयू की तरफ से, ट्रोमा सेंटर की तरफ से एक कमेटी का गठन किया जाता है। अब इस कमेटी का डॉक्टर रोना सिंह से बात हो रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच हुई थी अभी ऐसी मशीन को लेकर ट्रामा सेंटर में, उसमें आप भी सदस्य थी ना? नहीं नहीं, एसी मशीन को लेकर। हाँ, वैक मशीन घाव सुखाने वाली। हाँ, उसको तो मैं थी, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। मैंने रिपोर्ट में क्या निकला कुछ ये मैं जानना चाहता था। सॉरी सर, माफ कीजिएगा, आप चेयरपर्सन से पूछ लें सर। अच्छा, ज्यादा बेटर होगा। आपके अलावा और कौन कौन था उसमें? डॉक्टर ललित अग्रवाल थे। अच्छा, प्लीज मेरा नाम मत बताइएगा, मैं इसके भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। नहीं, डॉक्टर ललित अग्रवाल चेयरपर्सन थे। अच्छा अच्छा, क्या कुछ कमियां मिली थी मैम? मतलब अनऑफिशियली मैं पूछ रहा हूँ, कुछ कमियां मत हमसे मत पूछिए। अच्छा, वो ब्रीच ऑफ वो हो जाएगा, नहीं तो और बाकी चीज आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कितने दिन जांच चली है तो बताइए। हम लोग 4-3 बैठक किए थे। हाँ, तो एक हफ्ता चली थी। देखिए, मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ, ये एक ऑडियो आपने सुना अभी, हम आपको पूरा विस्तार से ऑडियो सुनाएंगे कि आखिर जो चेयरमैन महोदय हैं वो क्या कह रहे हैं और इसके जो सदस्य हैं उन्होंने इस हेलो डॉक्टर ललित मोहन अग्रवाल से बात हो रही है। हाँ, बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले एक फैक्ट कमेटी बनी थी बीएचसी मशीन को लेके। किसको लेके? अभी ऐसे मशीन जांच को लेकर ट्रामा सेंटर में, जिसमें आप ही के सानिध्य में पूरा ये जांच हुआ था। कौन सी वाली कमेटी? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हाँ हाँ, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। हाँ हाँ, तो उसमें क्या निकला डॉक्टर साहब, कुछ जानकारी चाहिए थी। वो तो देखिए, रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है उनको, डायरेक्टर साहब ने बनाई थी मेडिकल कमेटी, जो भी रिपोर्ट थी हमने सबमिट कर दी है उसको। क्या निकला? दरअसल खबर लिखनी थी ना, इसलिए मैं जानकारी ले रहा था आपसे। मेरे को तो याद भी नहीं है, वो कितनी पुरानी बात हो गई है। हमें लगता है कि 3-4 महीने हुई होगी, 4-5 महीने होगी। इतनी कमेटियों के, इतनी कमेटी बन के मेंबर बनते हैं, इतने वो करते हैं, कहाँ याद रहता है। वो तो वैसे भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कि कुछ ऐसा। अभी भी जानकारी मिल रही कि बाहर से मशीनें आ रही है, उसका उपयोग किया जा रहा है, कई आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आपने जांच किया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जांच में क्या पाया। नहीं, जांच में तो देखिए, अब वो तो बेसिकली, अब जो वो मशीन जो वहां पे प्रोवाइड, वो तो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो ट्रॉमा सेंटर में। हाँ, तो और मशीन को उन्होंने कोई, मेरे ख्याल से किसी को शायद आउटसोर्स पे रखा हुआ है, जो कि वहीं पे मशीन लगाता है और उसको जो कंज्यूमेबल है वो प्रोवाइड करते हैं ट्रॉमा सेंटर वाले। लेकिन ये जो हॉस्पिटल में तो ये मशीन पहले से ही मंगा के रखा गया है, लगभग 50 की संख्या मशीनें हैं। देखिए, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल में ये चीज फ्री नहीं मिलती है, वो सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में ही जो ये फैसिलिटी फ्री में है। हाँ, ये मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो ट्रॉमा वाला ही पूछ रहा हूँ मैं, दरअसल ट्रॉमा के लिए ही जांच हुई थी ना। हाँ, ट्रॉमा के लिए, तो ट्रॉमा में तो वहां पे हमने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि कुछ लोगों का, जैसे मेरे ख्याल से ये कहना था कि हमको ये चीज मालूम नहीं है, जबकि नोटिस था उसके अंदर। अच्छा,
अब ये फाइनली यही हुआ था कि भी अब आगे से कोई भी जो है एक सरकंडर हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को दिया जाता है। डॉक्टर अजीत जी वो कंप्लेन किए थे इससे? डॉक्टर अजीत तो कोई कंप्लेन नहीं किए थे इसमें, डॉक्टर अजीत इन्वॉल्व ही नहीं थे मेरे। अच्छा इसमें तो उनसे तो कोई बात हुई नहीं थी। अच्छा इसमें तो मेरे ख्याल से शायद जहाँ तक I'm not very sure, मेरे ख्याल से कुछ हमने शायद स्टाफ नर्सिस से बात की थी और कुछ ऑर्थोपेडिक्स के रेजिडेंट से बात की थी, और जहाँ तक मेरा आइडिया है हमने शायद प्लास्टिक सर्जरी के कुछ